नमस्कार, न्यूज़ वन एशियन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का बाजार भी गर्म है। बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है, और ऐसी ही एक गलती मंत्री जी ने भी कर बैठी। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के एक मंत्री ने जब भाषण देने के लिए वो स्टेज पर जाते हैं, तो सबसे पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद उन अपना भाषण देना शुरू करते हैं। आपको बताएं कि ये वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग जो है कई तरह की बातें कर रहे हैं और मंत्री जी की जमकर किरकिरी भी हो रही है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अचानक से ही इस तरह की अफवाहें जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है और लोग जो है वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बताएं कि झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण और खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिंदा रहते ही श्रद्धांजलि दी है। इससे संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री की खूब किरकिरी हो रही है। आपको बताएं कि मंत्री ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सफाई भी दे डाला। उन्होंने लिखा है कि मैं दिल से क्षमा मांगता हूं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मालूम हो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि शनिवार को झारखंड के मंत्री को ध्यान आया और उन्होंने अपने बयान पर सोशल मीडिया में ट्वीट कर भूल सुधार किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि भूलवश उन्होंने जो है ये टिप्पणी की और भाषण में इस तरह की बातें कही। दरअसल यह सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे भ्रामक खबरों की वजह से हुई है। इस संबंध में जो भाषण में कहा है उसके लिए दिल से क्षमा मांगता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत प्रदान करे। अभी देश को उनकी काफी जरूरत है। इधर सोशल मीडिया पर वायरल खबरों को लेकर बहस शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने इसकी निंदा की है। तो लगातार ये जो खबर है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही, और यही वजह है कि जो इस मंत्री की भी जमकर किरकिरी हुई। बता दें कि मंत्री जी स्टेज पर भाषण देने के लिए जाते हैं और भाषण की शुरुआत में ही वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे जाते हैं, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और साथ ही साथ लोग मंत्री जी को सुना भी रहे हैं। जिसके बाद मंत्री को अपने गलती का एहसास हुआ और तुरंत उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, भगवान जल्द से जल्द डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वस्थ कर दे। यानी कि जहां एक तरफ दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज चल रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है और इसी को लेकर इस तरह की जो खबरें हैं वो देखी जा रही है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन एशियन के साथ। नमस्कार।